सो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुर्बान अली खान और केके टेक्निकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है आपका मोबाइल आपके पास होते हुए भी आपके बिना इजाज़त के बगैर आपके दोस्त या फिर हैकर आपके मोबाइल से ऑडियो, वीडियो, इमेज या फिर डॉक्यूमेंट चुरा रहे हैं? अगर नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा सेटिंग बताऊंगा, अगर आप उस सेटिंग को कर लेते हैं तो अब आपको गूगल प्रोटेक्ट करेगा। जी हाँ दोस्तों, गूगल अब क्या करेगा, आपका इमेज, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट जो कुछ भी है उसको वो सिक्योरिटी की तरह सेफ रखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या करना होगा, प्ले स्टोर पर जाके अपना गूगल को अपडेट करा लेना होगा। अपडेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, सेटिंग पे क्लिक करेंगे। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है गूगल, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए गूगल अकाउंट लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे जाएंगे। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सिक्योरिटी इशू फाउंड, या फिर आपके मोबाइल पे लिखा होगा वी आर प्रोटेक्ट योर अकाउंट। तो अब हम इस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो आपको यहाँ क्या करना है, देखना है, यहाँ देखिए टिक 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 तीन वाला ग्रीन निशान है और एक वाला येल्लो है। यहाँ पे आपको चारों के चार ग्रीन होना चाहिए। अगर कुछ भी येल्लो या रेड हो तो इसका मतलब आपका मोबाइल में कुछ डिफेक्ट है, यानी कि आपके सेटिंग में कुछ डिफेक्ट है। आप वो सेटिंग को ठीक कर लीजिए, वरना आपका मोबाइल से कुछ भी गायब हो सकता है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, उस येल्लो निशान पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए मेरे मोबाइल पे दो सेटिंग की कमी है, जिसकी वजह से उसने यहाँ दिखा दिया है। ये पहला वाला है एड ए स्क्रीन लॉक ऑन योर डिवाइस, यानी कि मैंने अपने मोबाइल पे स्क्रीन लॉक नहीं लगाया, तो कोई भी बड़े आसानी के साथ स्क्रीन लॉक को ऑन करके कुछ भी ले सकता है, या फिर बिना पासवर्ड होने की वजह से कोई भी आराम से इसके अंदर घुस सकता है। तब हम जाते हैं सेकंड की ओर। यहाँ देखिए रिमूव योर अकाउंट फ्रॉम माइक्रोमैक्स कैनवास टू कलर्स, यानी कि इस मोबाइल पे मैंने बहुत ही पहले साइन इन किया था, ये मेरा दोस्त का मोबाइल है और मैंने इसे साइन आउट नहीं किया है, तो वो बता रहे हैं आप यहाँ से अपना अकाउंट को रिमूव कर दीजिए, यानी कि साइन आउट कर दीजिए, नहीं तो आपका दोस्त जब चाहेगा आपके मोबाइल के अंदर घुस जाएगा और जो चाहेगा चुरा लेगा या फिर आपके सेटिंग को बिगाड़ देगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो रिमूव लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद वो रिमूव हो जाएगा, यानी कि हमारा मोबाइल अब सेफ है, हमने साइन आउट कर लिया, हमारा दोस्त अब या फिर हैकर कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन पर आएंगे, यहाँ जो लिखा हुआ है ऐड है स्क्रीन लॉक ऑन योर डिवाइस पे क्लिक करेंगे। तो नीचे देखिए ऐड लिखा हुआ है, अब हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने का तो बोल रहे हैं आप यहाँ पे पैटर्न लगाइए, पिन लगाइए या फिर पासवर्ड लगा दीजिए। तो चलिए हम कुछ यहाँ पे लगा देते हैं, आपकी मर्जी, आप जो चाहे यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैं फिलहाल पासवर्ड पे क्लिक करता हूँ। पासवर्ड पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वाला पासवर्ड लगा देंगे। और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और फिर कंफर्म पासवर्ड डाल देंगे। और फिर ओके कर देंगे। पासवर्ड डालने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह पेज खुलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो नेक्स्ट का बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद अब हम क्या करेंगे, यस आई एम इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ गॉट इट पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा डिवाइस सेफ हो गया है, अब हमको कोई भी हैक नहीं कर सकता या फिर हमारे मोबाइल से कुछ भी चुरा नहीं सकता। तो दोस्तों, आशा करता हूँ अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है, और उसके बगल में दिए गए घंटी को दबा दें ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आपको मिलती रहे और आप इसी तरह देखते रहें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ।